सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान ते तुसी देख रहे हो पंजाबी पॉक्स। दोस्तों, जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि साडी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसका एक कारण है कि सिंगर अते ऑडियंस के विच एक खास तरह का कनैक्शन है। जेकर सिंगर उपर कोई एलीगेशन लगता या कोई कॉन्ट्रोवर्सी आती है तो जिहड़े उन्होंने फैंस ने या ऑडियंस आ वह उन्होंने इल्जामों को काउंटर तक करन तक जाते हैं। तो फिलहाल हुणे जे एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई सी दिलप्रीत ढिल्लों की, जिसनों के फैंस ने बहुत ज़्यादा काउंटर भी किया, उन्हों का साथ भी दिता। तो फाइनली बहुत ज़्यादा इंतजार करन तो बाद उन्हों का सोंग आ चुका है। तो अज आप करांगे उन्होंने सोंग का रिव्यू। दोस्तों, इस सोंग का नाम है दिलप्रीत ढिल्लों इज बैक, करारा जवाब मिलेगा। तो इस सोंग नूं गाया दिलप्रीत ढिल्लों अते गुरलेज अख्तर की जोड़ी ने, लिखा है नरेंद्र पाठ ने, म्यूजिक है देसी क्रू का, अते वीडियो की है अगम मन अते अजीम मन ने। फीमेल लीड दे विच सृष्टि मन नज़र आ रही है। इस सोंग नूं स्पीड रैकर्ड्स के लेबल के नाल कल ही रिलीज़ किया गया है। हुण आपां दसदे हां इस सोंग दे म्यूजिक दी की खासियत है। दोस्तों, इस सोंग दा खाका क्योंकि पंजाबी लोक बोलियां दे फॉर्म दा है, इस करके इसका जिहड़ा संगीत है बहुत ही कल्चरल बनाया गया है, बड़ा ही फोक टाइप का बनाया गया है। तो क्योंकि अज दे टाइम दा है तो थोड़ा इसनों मॉडर्न किया गया, तो मॉडर्न ते फोक नूं मिक्स करके इस सोंग दा म्यूजिक बनया है। तो बाकी सोंग दे विच तुहानूं ठा 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 गोलियां दी आवाज़ सुनन नूं जरूर मिलेगी। हुण आपां गल करदे हां सोंग दी वीडियो बारे। सो दोस्तों, सोंग की वीडियो की शुरुआत बड़े ही ड्रामेटिक ढंग के नाल हुंदी आ। विलन शाम लाग की जमीन के पिछे एक नौजवान का कतल कर दिंदा आ, ते उसदा उस जिहड़े फादर साहब ने वह दिलप्रीत कोले अपनी गुहार लैके जांदे आ। दिलप्रीत बड़ा ही सीरियस होकर उन्हां दी गल सुणदा आ, ते मैनूं लगा कि हुण हाँ इत्थे वाकई जज्बात बाहर आउणगे। ते वह बहुत ही सीरीयस नज़र आउंदे आ, पर मेरियां आसां ते पाणी फिर गया जदों अगले सीन दे विच दिलप्रीत हसदे होए एंट्री लैंदे ने, ते हीरोइन दा फोन आउंदा आ, ते उह कहिंदियां झावां झावां झावां, ते उस तो बाद वो जैकेट पा लेंदे ने, उत्ते लिखा हुंदा वैपन फॉर्म, यानी कि हुण बदला लिया जाएगा। पर हीरोइन आंदी आ ते उसनू गन पकड़ा दिंदी आ, ते उह हसदे होए एक दूजे नाल बोलियां इंजॉय करदे ने। तो इस तरह तुहानू सोंग दे विच बाबे नज़र आने, कुछ कुछ बीबियां नज़र आउणियां जिन्हां दे कोले तुहानू गन्ज दिखण गया। तो गन कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया गाने दे विच के बदला लैण लई तां जी गन बहुत जरूरी है, ते गन कल्चर नूं प्रमोट किया गया, हालांकि असी इस चीज़ नूं सपोर्ट नहीं करते। खैर, अगे दिलप्रीत उस नौजवान की मौत का बदला लैण लई बोलियां नूं इंजॉय करते हुए विलन दे घर तक पहुँच जाता है। तो दिलप्रीत जिस तरह ही विलन दे अड्डे ते पहुँचदा, उहदे घरे पहुँचदा आ, ते मैं सीरीयसली हैरान हो गया कि उसके उतरन तो पहला ही विलन डर जाता है। तो दिलप्रीत आंदा है, एंट्री लैंदा है, तो उन्हों गोली मार दिंदा है, उस तो बाद खुशी खुशी गिरफ्तार होके तो चलिया जाता है। सो मैनू वीडियो का कंसैप्ट काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लग्या, उसका तालमेल नहीं बनया, पता नहीं क्यों। पहले सीन का तो उस तो बाद पहला मौत होनी, उस तो बाद बोलियां शुरू हो जानियां, तो बोलियां इंजॉय करना, तो उस तो बाद बदला लै लेना, तो खुशी खुशी अरैसट होके चले जाना। मैनू काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लग्या मामला, तो ये होर वधिया हो सकता सीगा। तो कितें कितें ये लगा कि पहले सीन नूं रिलेट कर लई शायद आखिरी सीन नूं इस तरह बनाया गया है। सो जिवें कि कहा सीगा कि हुण जज्बात बोलणगे, जेल जाण वाले जज्बात मैनू ज़्यादा चंगे नहीं लगे वीडियो दे विच। ते फैंस का की रिस्पोंस, आप फैंस के रिस्पोंस से चलते हैं कि फैंस की कहना चाहते हैं दिलप्रीत की वापसी के बारे। सो दोस्तों, कमेंटा आ गए हैं। परमिंदर सिंह लिखे आ कैंट ब्रो, शेर गिल एक यूजर है, उन्होंने लिखा ओ माई गॉड फायर बंब सोंग, आ गीत ते बिल्कुल हथियार की गल नहीं हुई, ये सैरकैजम आ। कहर जहर फायर बनाई आ, ते अग लाती बाई जी सिरा बाबा, दिलप्रीत ढिल्लों लव, दिलप्रीत पाजी इज बैक विद बैंग। सो बहुते फैंस नूं उन्हां दी वापसी पसंद आ रही है। कौन कौन दिलप्रीत ढिल्लों नूं दिल तो पसंद करता है? गुलजार चानी वाला, इन्हां दे काफ़ी ज़्यादा कमेंट मैनूं दिख रहे हैं, बार बार कमेंट किए इन्होंने। मॉडल बकवास आ बई, इदां दीआं गल्लां डायरैक्टर ना करिया करो। सिरा सोंग बाई जी, पुत कहना सौखा बंदा मारना नहीं, बापू ते बेबियां नूं देखो लव। अत बाई जी, फिटे मूँह तुहाडे दोनों ते, गुरलेस ते दिलप्रीत ते। नैवर टेक टेंशन पाजी, लाइफ इज मोर प्रीशियस, कम विद न्यू सोंग, गॉड ब्लैस यू ऑलवेज। एंड ते लिखिया मूसे वाला नहीं बन होना। बई किसी नाल कंपैरिजन ना करिया करो, क्योंकि इदा कन्फलिक्ट पैदा हो जाता है बहुत सारा। सो फैंस का रिस्पोंस देखिया, रलिया मिलिया रिस्पोंस है, कुछ नूं चंगा लग्या, कुछ नूं उन्हां दी वापसी चंगी लगी।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।